हेलो गाइस, मेरा नाम है मनीष और हमारे चैनल ऑलवेज एबल प्रो में आपका स्वागत है गाइस। और ये देखते हैं आईफोन एसी फर्स्ट जनरेशन। आप सभी लोगों का कमेंट आ रहे थे भाई आईफोन एसी फर्स्ट जनरेशन का आप बैटरी टेस्ट करो या बैटरी ड्रेन टेस्ट आप बोल सकते हो। इस फोन का हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। रेगुलर 2 आवर्स तक इस फोन को यूज करेंगे, वीडियो प्लेबैक करेंगे, सीओडी मोबाइल गेम को प्ले करेंगे, उसके दौरान देखेंगे कोई हमें कोई हीटिंग इश्यू वगैरह देखने को मिलता है या फिर फोन में कोई लैग वगैरह, कितनी बैटरी ड्रॉप होती है, इन सभी के बारे में इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो फाइनली मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। पहले हम NCS म्यूजिक प्ले करते हैं, उसके बाद COD मोबाइल गेम को प्ले करेंगे। तो गाइस चलिए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। हेलो गाइस, तो ये है हमारा आईफोन एसी फर्स्ट जनरेशन, इसका हम बैटरी ड्रेन टेस्ट करने वाले हैं। आप सभी लोगों की डिमांड आ रही थी भाई आप टेस्ट करो, तो इसका बैटरी टेस्ट करने वाले हैं। और बैटरी टेस्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, इसका गिव अवे भी चल रहा है चैनल पे। आपने पार्टिसिपेट नहीं किया तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट कर लीजिए। लिंक जो है कार्ट में या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वहाँ से जाके पार्टिसिपेट कर लेना, ठीक है। और अब इस फ़ोन का बैटरी टेस्ट करने वाले हैं। 2 आवर्स तक इस फ़ोन को रेगुलर हम यूज़ करने वाले हैं, 1 आवर्स तक वीडियो प्लेबैक करेंगे और 1 आवर्स तक हम COD मोबाइल यानी कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल गेम को इस फ़ोन के अंदर प्ले करने वाले हैं, ठीक है। और बैटरी कितनी चार्ज है वो देख सकते हैं आप, 100% यहाँ पे हमारी बैटरी चार्ज है। अब देख सकते हैं बैटरी हेल्थ कितनी है, ये मायने रखता है। तो बैटरी हेल्थ में आपको बता देता हूँ, 89% मेरी बैटरी हेल्थ है देख सकते हैं, और मैंने बैटरी वगैरह कोई रिप्लेसमेंट नहीं करवा रखी। ये फ़ोन मैंने सेलबड़ी से बाय किया था और अभी तक चल रहा है, आपके सामने देख सकते हैं, ना तो कोई बैटरी वगैरह रिप्लेसमेंट है कम। तो अब 1 आवर्स तक देख सकते हैं टाइम, मैं आपको टाइम भी बता रहा हूँ, 3:38 हो रहे हैं, 4:38 तक हम इस फ़ोन के अंदर वीडियो प्लेबैक करने वाले हैं, उसके बाद हम 1 आवर्स तक कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स गेम को प्ले करेंगे। डेट एंड टाइम आप देख सकते हैं। तो अब मैं जो साउंड्स प्ले कर रहा हूँ, जो भी इस फ़ोन का ही साउंड देखने को मिलेगा। तो गाइस वीडियो को प्ले करते लगभग 1 आवर्स पूरा कंप्लीट हो चुका है। 3:38 में हमने वीडियो प्लेबैक स्टार्ट किया और देख सकते हैं 4:44 हो चुके हैं और बैटरी जो है हमने 100% चार्ज की थी और बैटरी है जो भी 79% पे आ चुकी है। एटलीस्ट आप देख सकते हैं 21% हमारी जो बैटरी है वो ड्रॉप हो चुकी है। तो टाइम देख सकते हैं 4:44 हो रहे हैं। तो गाइज मैंने गेम को स्टार्ट कर दिया है, 4:44 पे स्टार्ट किया है, 5:44 तक इस फ़ोन के अंदर हम गेम प्ले करने वाले हैं, उसके बाद बैटरी कितनी ड्रॉप होती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और गेम अभी देखे स्टार्ट हो, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि जो स्क्रीन साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। जिन लोगों के बड़े हाथ है तो ये फ़ोन उनको बाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप इसमें गेम प्ले ईजिली नहीं कर पाओगे। मुझे भी प्रॉब्लम्स हो रही है, काफ़ी स्क्रीन साइज़ छोटी है, बट गेम सही से प्ले हो रहा है, गेम में कोई इशू नहीं आ रहा है, गेम काफ़ी अच्छे से प्ले हो रहा है, बट स्क्रीन साइज़ काफ़ी छोटी है इस कारण से। तो आईफोन एसी 2021 में आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इससे रिलेटेड भी मैंने वीडियो बना रखा है चैनल पे, फुल रिव्यू आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बट आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो चेक कर रहे हो या वीडियो देख रहे हो, तो आप मैं बता देता हूँ, अगर आपको कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है तो आप ये फ़ोन बाय कर सकते हो। एटलीस्ट आईफोन 6 से आईफोन एसी बेटर है, क्योंकि इसके अंदर आपको iOS 14 का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, ठीक है, जबकि आईफोन 6 के अंदर iOS 12 ही रनिंग करा। लोग आईफोन 6 बाय करते हैं, इससे अच्छा आप आईफोन एसी बाय करोगे, वो बेटर ऑप्शन है, अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा, एटलीस्ट आपको iOS 14 का इसके अंदर फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह UPI पेमेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। जब आईफोन 6 लोगे उसके अंदर कुछ भी आपका UPI पेमेंट्स वर्क नहीं करेगा, इससे बेटर है आप आईफोन एसी लीजिए, अच्छा सॉफ्टवेयर है iOS 14 और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है अभी तक, फिलहाल अच्छे से चल रहा है, तो वो ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। बैटरी टेस्ट से रिलेटेड आपको ये वीडियो मिली जाएगी, कितनी बैटरी ड्रॉप होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सही लगता है बैटरी तो आप बाय कर सकते हो। बाकी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी अच्छा फ़ोन है। और जिनको कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है, जिनको छोटे साइज़ के फ़ोन पसंद है, वो लोग डेफिनेटली इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं। और गेमिंग की बात करें तो भाई अभी तक मैं वीडियो में कटआउट लगाऊंगा, आप बोलोगे भाई आपने 2 घंटे फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद आपने गेम तो सिर्फ वीडियो जो है वो 7-8 मिनट का वीडियो बनाया, तो भाई इसके अंदर डेफिनेटली इतना वीडियो को लंबा देखना लोग पसंद करते नहीं, 8-9 मिनट तक फुल रिव्यू चेक करना, तो उसके अंदर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब फिलहाल गेम की बात करते हैं, तो इसके अंदर काफ़ी अच्छे से गेम वगैरह चल रहे हैं, कोई लैग मुझे देखने को नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल, और हीटिंग इशू भी अभी तक फिलहाल मुझे फेस नहीं हुआ है, कोई हीट इस फोन के अंदर हो रहा हो, ठीक है। और पबजी जैसे गेम्स भी इसके अंदर ईजिली प्ले कर सकते हैं, अभी फ़िलहाल पबजी इंडिया के अंदर बैन है और प्ले करने वाले लीजेंड्स तो प्ले कर लेते हैं, समझ जाओ आप।
बाकी आप 2020 के रिव्यू देख सकते हैं पबजी के, अगर आपको देखने हैं तो मेरे चैनल पे 2020 के रिव्यू देखने को मिल जाएंगे कैसा गेम प्ले होता है। फ़ोन सेम यही है और कोई अलग फ़ोन नहीं है, इसी के अंदर मैंने प्ले किया था। हर साल हमारे रिव्यू अलग अलग आते रहते हैं, जैसे ईयर चेंज होता है तो हर ईयर के अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो यार आप लोग चैनल पे नए और फर्स्ट टाइम यार वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पे नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ भाई को सपोर्ट करो। आप लोग यार सपोर्ट नहीं करते, यार सब्सक्राइब नहीं करते, आपके एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ हमारे नंबर्स तो बढ़ेंगे पर मोटिवेशन भी मिलता है सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो यार वीडियो बनाने का। तो आप लोग यार सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं, तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। बाकी और भी कोई अदर क्वारीज है तो आप कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पर जो पेज है हमारा ऑलवेज एप्पल प्रो, वहाँ जाके आप फॉलो कर लीजिए, और जो भी क्वारीज है तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। तो भाई फिलहाल गेम तो प्ले हो गया और हमने मैच भी जीत लिया, गेम्स तो आगे प्ले होते रहेंगे, तो अब मैं 2 आवर्स के बाद आपको फ़ोन शो करूँगा। तो गाइस 2 आवर्स पूरे कंप्लीट हो चुके हैं इस फ़ोन को गेम प्ले करते लगभग हमें, और हमने 4:44 पे ये जो गेम है वो स्टार्ट किया था, और एटलीस्ट 5:44 हो चुके हैं। और जो बैटरी है गाइस, मैं आपको 2 आवर्स फ़ोन को इसको रेगुलर यूज़ करने बाद 48% पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं एटलीस्ट, यानी 52% ड्रॉप हो चुकी है इस फ़ोन के अंदर, ठीक है। और एटलीस्ट ठीक है 2 आवर्स तक जो अच्छा बैकअप है, इससे आप बुरा बैकअप नहीं बोल, अच्छा ख़राब बैकअप नहीं बोल सकते हो, काफ़ी सही है, अच्छा है, कॉम्पैक्ट है, इतना पुराना फ़ोन है सही बैकअप दे रहा है, सबसे बड़ी चीज़ वो। हीटिंग इशू की बात करें तो नॉर्मली जितना फ़ोन हीट होता है गेम को प्ले करने के दौरान उतना हुआ है, इतना भी नहीं हुआ है कि आप गेम प्ले नहीं कर सकते या फ़ोन इतना बहुत ज़्यादा देख सकते हो कि फ़ोन एकदम हीट हो जाते, उस प्रकार से नहीं हुआ है, आप आराम से खेल सकते हैं, इसके अंदर कोई इशू नहीं है। बट जिन लोगों को कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है वही फ़ोन बाय करना। डेट तो टाइम बता देता हूँ, देख सकते 4:44 पर गेम स्टार्ट किया था, 5:45 हो रहा है, डेट देख सकते हैं 7 अप्रैल मैंने स्टार्ट किया था, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैंने बता दिया था। और बैटरी भी आप ऊपर देख सकते हैं 48% आपको दिख रही होगी गाइस। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, एटलीस्ट आप आईफोन 6 की जगह आईफोन SE बाय करोगे वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। बैटरी बैकअप मैंने आपको इस फ़ोन का बता दिया 2 आवर्स, तो एटलीस्ट आप मान के चलो 3 घंटे के आसपास आपको देखने को मिल सकता है यही बैकअप आपको देखने को मिलेगा। पहले तो जाके फुल रिव्यू चेक करो, फिर बैटरी बैकअप इसका रिव्यू आप चेक कर लो, उसके बाद आपको सही लगता है 7 से 8 हज़ार का बजट है आपका तो ये फ़ोन आप बाय कर सकते हो, ठीक है। आईफोन 6 बाय मत करना, सबसे बेस्ट यही बता रहा हूँ, आईफोन 6 बाय मत करना, और UPI पेमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर सपोर्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है यार वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, भाई को सपोर्ट करना, इतना सा रिक्वेस्ट है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।